लोगों की स्थिति को भी देखा है और वर्तमान में जब मोदी जी और योगी जी का शासन आया है इसको भी देख रहे हैं। बिल्कुल दो भागों में, दो धाराओं में बढ़ चुकी है राजनीति। देश के लिए किसका चयन करना है इसका चुनाव है। मैं ये चुनाव मेरे शहर की नाली खरंजे गली कूचे का है, न मेरी बिरादरी का है, न मेरे शहर का पड़ोस पास का है। ये चुनाव है कि देश की राजनीति को किधर ले जाएंगे, किन हाथों में देश की राजनीति को सौंपेंगे। एक और गठबंधन है एनडीए और दूसरी ओर बड़ा ठग बंधन है। मैं राजनीति में कभी हल्के शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन जो स्थिति है उसको कहने भी नहीं सकता। ठग बंधन जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे कारण है तर्क। जहां एक और एनडीए का गठबंधन है वो इसलिए गठबंधन है क्योंकि एक नेता है, एक नियत है, उनकी निश्चित नीतियां हैं, निश्चित कार्यक्रम है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है और आगे आगामी योजनाएं हैं। तो ठग बंधन जिसको मैंने कहा उसके पास कोई नेता नहीं है, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुर्बा जोड़ा, एक नीति नहीं, एक नियत नहीं, एक चुपता नहीं। उदाहरण के लिए यदि दिल्ली में आम पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है तो पंजाब में ताल ठोकती है एक दूसरे के खिलाफ। उद्धव ठाकरे जी अलग अलग आते हैं तो शरद पवार कुछ और बोलते हैं। ममता बनर्जी जो गठबंधन में शामिल तो है लेकिन अपने साथ किसी को रखते नहीं, यह स्थिति है। नेता एक नहीं, नियत एक नहीं, नीति एक नहीं, कार्यक्रम की कोई योजना नहीं। तो ये दो धाराओं के बीच का चुनाव किसको चुनना है। अभी बात हो रही थी भारत माता की जय बोली थी, वंदे मातरम बोला, अब की बार 400 बार का नारा लगा। भारत माता की जय से मैं लेता हूं यदि विषय को, तो एक और वो लोग खड़े हैं जिनमें से एक नेता कहता है कि मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, और पूरी की पूरी गठबंधन की राजनीति मौन रहती। गर्दन पर तलवार रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विरोध नहीं करता। शर्मनाक स्थिति इस देश के लिए बनती है और ऐसी राजनीति एक और। और दूसरी ओर मेरा नेता मोदी मास्को के मैदानों में, लंदन के स्क्वायरों पर, न्यूयॉर्क के चौराहों पर विदेशियों से बात भारत माता की जय बनवाता है। मेरा सीना 56 इंच का होता है, दूसरी राजनीति को यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना, ये राजनीति चाहिए। इन दो धाराओं के बीच का चुनाव है मित्रों, देश को किधर ले जाना है। एक वो भी राजनीति आपने देखी, देश के सैनिकों के सरकार के भेजे गए, पूरा देश तड़प था, आम जनता के दिल में आग लग गई थी कुछ होना चाहिए, बदला लेना चाहिए, सैन्यवाहिनी मचल रही थी कुछ करने के लिए।
लेकिन हमारा नेता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रेम पत्र लिख रहा था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कि बड़ा निंदनीय कार्य हुआ है, बड़ा भर्त्सना योग्य कार्य हुआ है और अपने कर्तव्य की किसी शुरू कर रहा था। दूसरी ओर हुआ फिर राजनीति देखी, पुलवामा हुआ तो 70 किलोमीटर अंदर घुस कर मारा है मेरे अंदर नेता ने, घुस कर मारा है पाकिस्तान के अंदर, यह राजनीति। और सिर्फ 70 किलोमीटर सेना नहीं घुसी थी, एक और वो राजनीति खड़ी है, कौन सी राजनीति का चयन करवा रहे हैं, ये चुनाव ये है। कि हम लोगों ने याद हो कुछ लोग सब बैठे पुराने, एक संकल्प लिया था, नारा नहीं था, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां राम ने जन्म लिया हम मंदिर वहीं बनाएंगे, संकल्प था। संकल्प का विकल्प नहीं होता मित्रों, और वो संकल्प पूरा किया। तो एक और वो खड़े हैं लोग जो संकल्प को पूरा करते हैं, और दूसरी तरफ वो थे जो कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता। कौन सी राजनीति चलेगी इस देश के अंदर, ये चुनाव ये तय करेगा। एक और वो लोग खड़े हैं जिन्होंने राम भक्तों के खून से होली खेली थी, कहा था परिंदा पर नहीं मार सकता, और अपने कौल को पूरा करने के लिए तुष्टिकरण के लिए गोलियां चलाई थी, सरयू का पानी लाल हुआ था, अयोध्या की गलियां लाल हुई थी। एक तरफ वो खड़े हैं जिन्होंने खून की होली खेली, और एक लोग एक तरफ वो खड़े हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि का निर्माण कर वहां पर दिवाली बनाई है, दूसरी तरफ राजनीति वो पड़ी है। राजनीति कौन सी चुनी जाएगी इसका चुनाव। ये दो राह पर राजनीति खड़ी है सब। अभी हमारे मित्र पूर्व वक्ता में किसी ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा का एहसास हो रहा है इस शासन में, इस राज्य में। हमने वो भी दिन देखे कि लोगों ने मॉर्निंग वॉक करना छोड़ दिया, बच्चा घर से स्कूल से जब तक घर नहीं आता था मां टकटकी लगाए देखती रहती थी दरवाजे पर कोई अपहरण ना हो जाए, और अगर देर होती थी और कोई फोन की घंटी घनघनाई आती थी तो लगता था किसी फिरौती मांगने का फोन तो नहीं आ गया, वो खौफ देखा है। सत्ताधारी दल से मिले हुए लोगों ने जो अपराध राजनीति का अपराधीकरण किया था वो भी देखा, माफियाओं का खौफ भी देखा, और एक आज है ये अपराधी या तो जेल में है या जिले से बाहर है और फिर भी हिम्मत कर रहा है, तो फिर ऊपर पहले उनके काफले निकलते थे माफियाओं के, जनता खौफ से घरों में घुसती थी, और आज उनके काफलों में उनके खौफ को देखने के लिए, चेहरे के खौफ को देखने के लिए जनता घरों से निकल कर आती है, यह बदलाव होता है। देखा होगा आपने अतीत का, जब अतीत का काफला आ रहा था उसे जेल ले जाया जा रहा था,